हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बहुत ही इजी तरीके से 4 लेयर का ये ड्रेस रेडी किया है, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसे बनाने के लिए आपको सिंगल एक दुपट्टे का इस्तेमाल करना होगा। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉडीज क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमने कपड़े के जो मार्किंग रखा है वो 3 इंच के आर्मोल्स के ऊपर प्लेस कर दिया है। वहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम साइड में भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे 3 इंच का। जो नेक का डेप्थ हम रखेंगे वो है 5 इंच का, तो 5 इंच पर हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब इस सभी मार्किंग्स को हमें कर्व शेप में दे देना होगा और हल्की सी साइड में हम फिटिंग दे देंगे। उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा, जिससे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इन सभी रॉ एजेस को आपको हेम कर लेना होगा। हेमिंग करने के बाद साइड की फिटिंग भी दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हेमिंग कर लिया है और साइड की फिटिंग भी दे दिया है। उसके बाद जो मैंने शोल्डर का स्ट्रैप रखा है वो है 5 इंच का, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना भी आपको रखना है। उसके बाद हमारा जो बॉडी है वो तैयार हो जाएगा। अब नीचे के फ्लो के लिए मैंने यहाँ पर ए शेप का दिया। पहले एक बार पेपर को फोल्ड किया है, फिर दोबारा फोल्डेड साइड से हम लेके गए हैं और उसे फोल्ड करते हुए ए शेप बना दिए। कमर का जो मेजरमेंट है, जितनी भी आपकी कमर है उसे 6.28 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी आएगा उस हिसाब से आप कमर को कट कर लीजिए। नीचे का जो फ्लो है मैंने यहाँ पे 22 रखा है, अब अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं जितना भी आपको कमर रखना है, हाइट रखना है। उसके बाद इन सभी मार्किंग्स को कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए जो ओपन साइड है और जो क्लोज साइड है, क्लोज साइड को भी कट कर दीजिए, तो आपको 2 भाग मिल जाएगा। अब दोनों भाग में अपने जो स्ट्रैप्स है उसे लगा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमने कपड़े पे कट किया है तो कुछ इसी तरीके का शेप कपड़े पे भी आया है। अब आपको क्या करना है, स्ट्राइप कट करना है। तो स्ट्रैप कट करने के लिए मैंने यहाँ पे 7-7 इंच लिया है। 7-7 इंच इसलिए लिया है, जो मेरा जो 6 इंच एक्स्ट्रा है वो सिलाई में जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे चुन्नटे लेंगे अपनी सारी पट्टियों को। अगर आपको चुन्नटे नहीं लेना है तो डायरेक्टली पीस देते हुए आप कपड़े पर भी सिल सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने छोटे छोटे चुन्नटे ले लिया है सबसे पहले सारे ही स्ट्रैप्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इस स्ट्रैप्स को अपने ड्रेस पर इस तरीके से लगा लूंगी। सबसे पहले पट्टी को उल्टी तरीके से हम इस तरीके से ऊपर की तरफ से स्टिच करेंगे, ताकि जो फ्लो आए वो इस तरीके से नीचे की तरफ आए। पट्टी के जो नीचे का भाग है उसे का जो रॉ एज है उसे आप अंदर से मोड़ लीजिए, या फिर बाद में आप बिटिंग भी करा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से प्लेसिंग कर रही हूँ मैं अपने फ्लो पर। उसके बाद मैं इसे सिलाई मशीन के हेल्प से अपने फ्लो को इस तरीके से हम रेडी भी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा जो फ्लो है वो रेडी हो चुका है। अब हम अपना टॉप लेंगे और अपना फ्लो लेंगे और उसे एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद कुछ इस तरीके का फाइनल लुक होगा। अटैच करते समय आप ध्यान दीजिएगा, अंदर का अस्तर पहले अटैच कर लीजिए, बाद में दोनों रफल्स को अटैच कर लीजिए। सो ये है मेरे फाइनल लुक। अगर आपको आज का ये मेरा सिंपल सा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो का लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।